हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, तो हम सब कुछ देखने वाले हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक हमें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो करना है तो उसके लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर वो रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज बताइए। अगेन रिवेंज की एनर्जी है। शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देखा करें, शाम की रीडिंग भी हमेशा आप लोग देख ही लिया करें, वो एक छोटी रीडिंग होती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको वहां से कुछ क्लैरिटी मिल जाए, कुछ पॉइंट आपको वहां से मिल जाए। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर हुआ है, ठीक है। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है प्लीज बताइए। राउंड एंड राउंड चीजें वहीं की वहीं घूम रही हैं, ठीक है, एक सेम सर्कल में घूम रही हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक, रिवेंज, ब्लैक मैजिक, राउंड एंड राउंड एंड डाउट। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज एंड गुड लक, ये कार्ड मैंने जब कार्ड शफल किया था तब भी मुझे दिखा था और अभी भी। गुड लक, ठीक है, गुड लक आप लोगों के लिए आने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ जब भी गुड लक साथ में आता है तो ये ब्लैक मैजिक और ये बुरी शक्तियां भी वहां पे चालू हो जाती हैं। चलो, जो कुछ हो रहा है सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, बस आप खुद को हील करके रखो, ठीक है। रिवेंज, ब्लैक मैजिक, राउंड एंड राउंड, डाउट एंड मैरिज। डाउट एंड रिवेंज की एनर्जी दोनों ही ब्लैक मैजिक स्पेल का इफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज है, या इन दो चीजों की वजह से ब्लैक मैजिक किया जाता है जा रहा हो। ये अब वो तब होगा जब आपके पार्टनर खुद करवा रहे हो तो, ठीक है। प्लीज डिवाइन, हमारे अगर आप लोग ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को एक चीज बोलूंगी कि ऐसी कभी कोई चीज कभी ट्राई नहीं करें, ठीक है। इनका कर्मा बहुत 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 बुरा होता है, बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो कभी भी ब्लैक मैजिक जैसी चीजों पे कभी आपको खुद को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट मैजिक में बहुत ताकत है, ठीक है। व्हाइट मैजिक अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, ये भी किसी न किसी रूप में भगवान को ही पूजते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान तो देते ही हैं, जब आप शक्तियां उस तरीके से उनको पूजते हो तो उनका पूजने का तरीका अलग है, तो उनको उस तरह से शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन आपको व्हाइट मैजिक में बिलीव रखना है, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके की कोई स्पेल कभी कुछ ट्राई करने की कभी जरूरत नहीं, ठीक है। आप भगवान की शरण में रहिए, आपको कुछ नहीं होगा कभी नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए आपकी एनर्जी खराब हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, चिढ़ आ सकती है, शक आ सकते हैं, चीजें खराब होंगी थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ी बहुत देर एनर्जी खराब होगी, उसके बाद आप वापस ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ब्लैक मैजिक स्पेल का ही इफेक्ट है क्या? मेरी लाइट खराब हो गई, प्लीज क्या हो गया, होल्ड। रीडिंग बीच में हो गई, अब मुझे फिर से ज्वाइन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा इसमें। चलिए प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज डिवाइन हमें बताएं।
प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ब्लैक मैजिक स्पेल तो डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पे। प्लीज जुम्मन, प्लीज बाबा जी, आपके पर्सन की मैं क्लैरिफायर ले ही लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ, क्योंकि काफी हैवी एनर्जी है, गुस्से में है काफी है, मूव ऑन करने की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई देती है, ओवर थिंकिंग है इनकी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक ग्रे एनर्जी है, बहुत हैप्पी एनर्जी में नहीं है ये, ठीक है। द सन को प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, कुछ आस पास है क्या, प्लीज डिवाइन द सन को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन द सन को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल थोड़ी सी ट्रांसफर, एक तो ट्रैवल इनकी दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रांसफर एक मूवमेंट को दिखाता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है इनके मन में कि ये बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी के लिए मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, हो सकता है ये किसी के साथ बहुत ज्यादा खुश फील कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है, या मिसिंग एनर्जी है किसी को लेकर के इनके मन में, ठीक है। उन चीज़ों को बारे में जब वो ये एक अच्छा टाइम सोच रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस भी आ रही है, या हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, मैंने दो बार अलग किया, दोनों बार यही दिखाई दिया कि ये अपनी कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी जिससे इनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि ये इन्हें धोखा मिला है, ठीक है, कहीं ना कहीं से चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, या तो इन्होंने कहीं आपके पर्सन के, जिन लोगों के पर्सन ने पास्ट में मैरिज किया है, यहाँ मैरिज कहीं ना कहीं दिखाई देती है, जिन लोगों के पर्सन ने पास्ट में मैरिज कर रखा है, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी चूज कर लिया था, फैमिली की मर्जी से या अपनी मर्जी से किया था, मैरिज कर लिया था, मैरिज यहाँ पे जरूर इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां भी आपके पर्सन को धोखा मिल चुका है, ठीक है, ये चीज है। लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के, मतलब कोई इंसान से बहुत ज़्यादा ये किसी से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उसके लिए मिसिंग एनर्जी है, लेकिन उसे इन्हें बहुत हार्ट ब्रेक मिला है, तो ये अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे इनको मैरिज करनी है, जहाँ से इनको अबंडेंट मैरिज मिले, मतलब पैसा भी मिले, सब कुछ मिले, मतलब मटेरियलिस्टिक, प्यार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्यार तो दिमाग में है, माइंड में उसको सोच रहे हैं, वहाँ से तो लग रहा है कि धोखा मिल गया है, तो अभी अब फोकस करना चाहते हैं उस चीज़ पे जहाँ पे ये एक मैरिज करना चाहते हैं, जहाँ से इनको पैसा मिले, इनका घर खुश रहे, सब कुछ चीज़ें परफेक्ट हो, ठीक है, ये चीज़ है इनके दिमाग में, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको धोखा दिया है, तो अभी ये उससे बदला लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस इंसान से प्यार करते हैं, इमोशनली जिससे अटैच्ड हैं, वहाँ से इनको धोखा मिला है, तो ये इस वजह से रिवेंज में, गुस्से में आकर के मैरिज कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कर चुके हों, कुछ लोगों के पर्सन करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे मैरिज यहाँ पे दिखाई देती है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किसी के द्वारा किया गया हो, इस वजह से भी एनर्जी इनकी इस तरीके की हो सकती है कि मतलब उल्टा सोच रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिस इंसान से ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उस इंसान ने इन्हें फिलहाल लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है इनकी कुछ हरकतें ऐसी रही हो जिस वजह से छोड़ा है, डेफिनेटली बात है, पर जो भी रीजन हो सबके लिए अलग अलग होगा, इनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, और ये उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं उसको, तो इन्हें क्या लग रहा है कि मुझे बदला लेना है, गुस्से में आकर के ये एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जहां ये किसी और से मैरिज करने वाले हैं, ठीक है, या ये पास्ट में कर चुके हों। द डेविल को क्लैरिफाई करिए, द डेविल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये किसी को बहुत डेस्परेटली याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मैं हम आपकी एनर्जी में देखेंगे कि किसी, ये कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिसे ये बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे हैं, डेस्परेटली उसे ये भूल नहीं पा रहे हैं,
उसके लिए इन्हें इतना एडिक्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा इनके लिए उनके गुस्से पजेसिव हो रहे हैं, उसको लेकर के चिढ़ भी रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, बराबरी भी करनी है और बदला भी लेना है उसके लिए फीलिंग है, और साथ में उनको हो सकता है फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसके लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बट क्योंकि वो उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं तो ये गलत डिसीजन ले रहे हैं और ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं उसे बदला लेने के लिए कि अब हम किसी से मैरिज करेंगे वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, गुस्से में आकर। हो सकता है ये किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल का फ्लैप हो सकता है, दोनों ही कार्ड ब्लैक मैजिक को दिखाते हैं, तो ये ब्लैक मैजिक स्पेल कहीं ना कहीं किया गया है, ऐसी हो सकती है एनर्जी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, नाइन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अब जो भी है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, थक चुके हैं, ये किसी को याद नहीं करना चाहते, किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी तरीके की झंझट नहीं चाहते, अगर फैमिली राजी नहीं है तो फैमिली को भी अब नहीं कराना है, हो सकता है वहाँ भी कलेश हो, तो ये हर तरीके की प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ये फिलहाल इनकी एनर्जी मूव ऑन करने की है, यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि इनकी ज़िंदगी में बस सुकून हो, जहाँ ये आराम से रहें, इनके पास इतना पैसा हो जिससे इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें और बस इनकी ज़िंदगी में ये सुकून से रहें, बेसिकली ये सुकून की तलाश में जा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, टेन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिनकी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोझ है, जिसको या तो इन्होंने हर्ट किया है किसी को, इस बात का इनके ऊपर बर्डन हो सकता है, या इन्हें किसी ने हर्ट किया है, किसी पे शक कर रहे हैं ये, इन्होंने हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शक की एनर्जी भी आ रही है, डेविल की एनर्जी शक की एनर्जी भी दिखाती है, ठीक है, तो इनको क्या हो रहा है, इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हो सकता है इन्होंने पास में थर्ड पार्टी लेके आए हों, चीटिंग किया हो, अब सामने वाला बंदा इनको उनसे दूरी बना लिया है, तो उनको ये चीज़ डाउट हो रहा है कि सामने वाला बंदा मेरे को वही सेम ट्रीटमेंट दे रहा है और वो मुझे चीट कर रहा है, क्योंकि जो जैसा होता है वैसे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि अगर आपने गलत किया है तो लगता है आपको कि शायद सामने वाला भी अब सेम मेरे साथ वैसा ही करेगा, तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का कि इन्होंने चीटिंग की, थर्ड पार्टी लेके आए, सेकेंड चीज़ उनको ये भी लग रहा है कि सामने वाला बंदा जो है वो मुझे हर्ट कर रहा है, वो तकलीफ दे रहा है, वो थर्ड पार्टी को ले आया है, मुझे दिल टूट रहा है मेरा, और मुझे अब ये बर्डन उतार के रखना है, मुझे और बोझ नहीं रखना, मुझे नहीं याद करना किसी को, तो अब ये एक्शन लेने के मूड में आ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, ये आवेश में आकर के बेसिकली एक मैरिज का डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, गुस्से में आकर, ताव में आकर के, ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, जीतना है इनको, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी अपनी जीत चाहिए, एकदम हवा हवाई टाइप की प्लानिंग, मैंने कहा ना दोनों ही एनर्जी उसी चीज़ को दिखाते हैं, बहुत पैशनेट एकदम एनर्जी, फटाफट एकदम तुरंत फटाफट डिसीजन लेना है, जो होगा देखा जाएगा वाली भाड़ वाली कंडीशन जाए, फिलहाल मेरे को जीतना है, इतनी जिद है यहाँ पे, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनके मन में बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा या तो इनको मिला है या ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, या इनको लग रहा है कि एक सामने वाला बंदा सेल्फ लव की कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे चीट कर रहा है, ठीक है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स को ही ये क्वीन ऑफ वेंड्स की कंडीशन में देख रहे हैं कि अभी ये सेल्फ लव की कंडीशन में है बंदा, मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई इंसान पहले मुझे जो अनकंडीशनल लव देता था या देती थी, अब वो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद के ऊपर है और ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है, तो अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेसिकली ये सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, इनकी इच्छा ये है कि अब ये इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट वहाँ चीज़ें इनकी बढ़ नहीं पा रही हैं, बातचीत जैसे मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, बातचीत हो नहीं रही है, तो यहाँ पे इनके अंदर एक जिद और गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने अपना इमोशंस हाइड कर लिया, इन्होंने भी प्यार अपना शो नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ पे ये कप लेकर के बैठे हुए हैं। बैक स्टेप की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धोखा दे दिया है, चीज़ें खत्म हो गई, टेन टेन की एनर्जी, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे एनर्जी है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं या ये साइकिल किसी के साथ अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा चीट कर दिया गया है। द मून की एनर्जी है, मदर इशू हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है फैमिली की तरफ से इनको ऑप्शन बार बार दिखाए जा रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इनके लाइफ में हो सकते हैं जो इनको अलग अलग भांति भांति प्रकार की इनको सलाहें देती रहते हैं, जिसकी वजह से इनके दिमाग का दही करते रहते हैं, ये एनर्जी। पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन,
ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टेम्परेंस यानी सेजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, बाकी सभी साइन है क्योंकि दे वर्ल्ड आ गया, ठीक है। बहुत कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, हो सकता है फैमिली इनको दिखा रही है, ऑप्शंस दिखा रही है और इनको फोर्स कर रही है कि आपको मैरिज करना ही करना है, ठीक है। इधर दूसरे बंदा जैसे ये याद कर रहे हैं, जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं कि उधर से कोई किसी तरीके की चीज़ें हो जाएं, सही हो जाएं, उधर से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं सही, उनको लग रहा है कि वो बंदा इनको चीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ फैमिली प्रेशराइज कर रही है मैरिज करने के लिए, तो अब इन्हें ये लग रहा है कि चलो ठीक है हम कर ही लेते हैं, बाहर में जाओ तुम वाली कंडीशन इनकी ये आ रही है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है सामने वाला बंदा इन्हें चीट कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, ये थोड़े से गुस्से पावर में है, यहाँ पे अपनी फैमिली की बातों को सुनना चाहते हैं, फैमिली के बारे में आप, हो सकता है फैमिली ही इनको चाहती है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, दोनों ही मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको अब मैरिज करना है, इनको सेटल डाउन होना है, इन्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए उन चीज़ों के बारे में, यहाँ पे ये चीज़ है। फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी हैं जो इनको सलाह दे रहे हैं, तो अभी अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये किसी के मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं बट पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ये किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और उसे अपना प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि मैं अपने सबसे लविंग इंसान को छोड़ दूँ, खो दूँ, ठीक है, या प्यार की तरफ बढ़ता हूँ तो शायद फैमिली को खो दूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे फैमिली थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब फैमिली सबके लिए अलग अलग होती है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके हस्बैंड या वाइफ होंगे, लेकिन अगर आप अनमैरिड से डील कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, अपने पर्सन का नाम लें यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। लो भी पहले ही आ गया। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये बहुत बुरी तरह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा ज़रूर इनको आ रहा है ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से, चीज़ें जो भी ख़राब हो रही हूँ, बट ये अभी भी आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत हार्ट ब्रेक है, तकलीफ हो रही है इनको, डाउट हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है आप अपनी इनकी ज़िंदगी से चले गए हो, बट प्रॉपर वे में अगर बोलें तो ये मैनिफेस्टेशन इसी बात का कर रहे हैं कि ये आपके साथ चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक है, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, तकलीफ तो है इनको। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए रिवाइन प्लीज, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है, ये अगर फैमिली है या मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या कोई भी रीज़न है, कोई लविंग थर्ड पार्टी है, कोई भी है, वहाँ पे इनकी एनर्जी ये दिखाई देती है कि ये आपके लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। और अभी इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी इनका रिलेशनशिप है ना, इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को सब कुछ खुल के बता दिया हो, सब कुछ उन्होंने कह दिया हो, ये भी चीज़ है, या कह देना चाहते हैं, सब कुछ बता देना चाहते हैं खुल के कि ये क्या चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि ये आपके साथ कमिटेड है, ये आपके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पे इनकी एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं, बिकॉज ये बहुत दुखी है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। अगर मैरिज का बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, तो ये वहाँ पे उनको बोलना चाहते हैं कि ये नहीं खुश रहेंगे आपके बगैर। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, डिवाइन चैरियट को क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यस, इनको मालूम है कि ये एक्शन लेना है इनको, लेकिन इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, बट ये उससे लड़ने के लिए तैयार है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो अपोजिशन में खड़े हैं ना, वो भी इनके अपने ही हैं, तो अगर ये उनकी बात मानते हैं तो आपको खो देंगे, आप भी इनके लिए बहुत लविंग हो, ठीक है, आप भी इनके बहुत अपने हो। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है किसी अपने बहुत करीबी को खो देने की एनर्जी, एक ऐसे इंसान को खो देने की एनर्जी, खुद को बंधा हुआ फील करना, ठीक है, जहाँ हेल्पलेस सिचुएशन, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ना कोई ज़रूर छूट जाएगा मुझसे, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी। एक्शन अगर ये लेते हैं, अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को इन्हें फेस करना पड़ेगा, और जिन लोगों को ये छोड़ेंगे वो भी इनके बहुत करीबी हैं, ठीक है, जिन्हें ये नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर फैमिली है तो ऑब्वियसली बात है उनको नहीं छोड़ना चाहते।
दूसरी तरफ अगर फैमिली के हिसाब से चलते हैं कि फैमिली अगर आपसे दूर रहने को कह रही है वो मान लेते हैं, या फैमिली जैसे ज्यादातर लोगों के लिए केस में उनको मैरिज करने के लिए फोर्स कर ली है, या ऑलरेडी मैरिड हैं आपके पर्सन, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में हैं आप, जिनके लिए देख रहे हो वो मैरिड है, तो वहाँ पे आपके पर्सन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी एनर्जी ये दिखाई देती है कि वो उनको क्लियर चीज़ों को बता देना चाहते हैं या बता दिया हो और वो फाइट बैक करने के लिए रेडी है, ठीक है। इस वक्त उनका मूड जिस तरीके का बन रहा है यहाँ पे ये एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये चीज़ों को आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट ये अभी आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी चीज़ें आप लोगों के बीच में इतनी ख़राब हैं कि यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में जो भी चल रही हैं, जो भी ये जो ब्लैक मैजिक हो रहा है या जो भी डाउट जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, ये सब कार्मिक है, कर्मा है आप लोगों के बीच में, जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी जो भी है वो कार्मिक है, तो जब तक उनका कर्मा बैलेंस नहीं हो जाएगा ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि कर्मा तो हमें भोगना ही पड़ता है, तो ये चीज़ आप लोगों को इस वक्त समझनी होगी। तो आपके पर्सन चीज़ों में हीलिंग चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक कर, हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन ने थर्ड पार्टी को चीज़ें क्लियर करके बता दी हैं, ठीक है, और नहीं बताई हैं तो बताना चाह रहे हो, बता देंगे, ठीक है, ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, बट ये अभी थोड़े से रुके हुए हैं क्योंकि चीज़ों को हील करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसमें रीज़न कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि आप लोग अभी हो सकता है कोई बीमार हो यहाँ पे, बीमार इन सेंस आप लोग अभी दिल बहुत ज़्यादा आप लोगों का टूट गया, आप ब्रोकन हो, आप एक दूसरे के हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों को, क्योंकि एक दूसरे पे शायद अब आप ट्रस्ट नहीं रहे कर पा रहे हो, रिश्ता आप लोगों का काफ़ी वीक हो गया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है उनको, तो वो चाहते हैं कि पहले चीज़ें ठीक हो जाएं, पहले चीज़ें नॉर्मल हो जाएं आप लोगों के बीच में, जैसा रिश्ता आपका पहले था, पहले आप दोनों के बीच में वो रिश्ता बन जाए, उसके बाद हम आपको स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करेंगे, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्या बैलेंस करना चाहते हैं फाइनल शफल बाबा जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वेटिंग एनर्जी है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एक्चुअली ये किसी को भी खोना नहीं चाहते, अगर यहाँ पे फैमिली है तो ये चाह रहे हैं कि फैमिली मान जाए, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये चीज़ों फैमिली की बात मानना चाहते हैं, उनको पैम्पर करना चाहते हैं, हो सकता है इस वक्त इन्होंने जब तक ये वेटिंग पीरियड चल रहा है इनका, कि ये जब तक आपको नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जब तक आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, तब तक ये चाहते हैं कि कोई भी इनका अपना छूटे ना, तो ये फैमिली को हो सकता है इस वक्त ये आपको थोड़ा सा इग्नोर मार दें, अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा पेम्पर करें ताकि उनको मना लें, उनको प्यार से समझा लें, ताकि वो चीज़ें ठीक हो जाएं लोगों आप लोगों के बीच में, ठीक है, वो मान लें चीज़ों के लिए, ताकि उन्हें किसी को भी छोड़ना नहीं पड़े, किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़े, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। द सन को क्लैरिफाई, क्योंकि ये हैप्पीनेस चाहते हैं, द सन को क्लैरिफाई करिए, सन ये ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं बेसिकली, इनकी ये एनर्जी, द सन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यस, ये कन्फ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं इस वक्त, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही है, या तो ऑलरेडी मैरिज करवा दी गई है, या हो सकता है मैरिज फिक्स हो रही है, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन ज़रूर हैं जहाँ वो बैलेंस करने, या आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और दूसरी तरफ कोई पर्सन और है, तो यहाँ पे वो हो सकता है उस पर्सन से आपसे सोल कनेक्शन है, बट सामने वाले बंदे के साथ वो एक मॉनिटरी गेन के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दो सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पे जिनमें वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, और जो भी सिचुएशन है वो फैमिली के द्वारा, फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व है, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे वो इनके पेरेंट्स हों, ठीक है, कि जो अपनी मर्जी से इनकी मैरिज करवा रहे हैं यहाँ पे, तो दो सिचुएशन है, जगल कर रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी निर्णय गलत नहीं लेना चाहते, ये एक्चुअली ये फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल रखना चाहते हैं, सुकून भी चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता इनका रहे ये भी ये चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी जो भी है आप लोगों के बीच में वहाँ पे भी चीज़ें ठीक बनी रहें, ये ऐसा अभी मतलब चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ों को अभी वैसे ही चाह रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने, सब कुछ सही करने के चक्कर में, द मजिशियन मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ज़िंदगी में अपनी सब कुछ करना चाहता है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली ग्रो भी हो रहा है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ भी है, डिवाइन की भी ब्लेसिंग उसके ऊपर है, उसके पास कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, पेंटिकल भी है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, वेंट्स भी है, तो ये हर तरीके की चीज़ है, तो अभी आपके पर्सन ना सुपर पावर बनने की, सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुपरमैन या सुपर वुमन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चक्कर में इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी हुई है, इनका सिर दर्द कर रहा है, हो सकता है क्राउन चक्र इम्बैलेंस हो, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ों को सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है, और बहुत रिग्रेट भी है, इन्हें स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, अपने लियो की एनर्जी है,
ऑल साइन बेस्ट है, मैजिशियन आ गया है यहाँ पे और दी वर्ल्ड भी था वहाँ पे। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपनी चीज़ों को। अगर हो सकता है आप अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो उधर आपकी फैमिली इनकी किसी और से मैरिज करवा रही है पैसे के लिए, तो ये हिम्मत करके आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, या दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को भी अब हिम्मत करके बताना चाहते हैं कि देखो मुझे उसको तो अपने साथ रखना है, या मुझे उसको डिवोर्स नहीं देना है, या उसको छोड़ना नहीं है मुझे, या फिर मैं इधर भी चीज़ों को ठीक करूंगा अब मैं, लेकिन मुझे वो इंसान चाहिए चाहिए। थर्ड पार्टी इंसान जिन लोगों के केस में मैरिड नहीं है कोई भी आप में से, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी यानी कि अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं कि नहीं हमें उसी से शादी करनी है, वहीं पर मुझे रहना है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो किसी और इंसान के साथ अगर, या तो ये बता सकते हैं कि उधर भी करना चाहते हैं आपके साथ भी, लेकिन बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। एक चीज़ क्लियर है, सिचुएशन चाहे जो हो आप लोगों के केस में, बट यहाँ पे वो बैलेंस दोनों के साथ करना चाहते हैं, आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं स्पेशली, उनका तो पूरा पूरा इरादा है कि उन्हें आपके साथ बढ़ना है, बट यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। कहीं अगर मैरिज है तो मैरिज टूटती नज़र आ रही है, और मैरिज अगर नहीं हुई है, मैरिज का सपना था तो सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे या मैरिज पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, और इनको ऐसा लग रहा है ये अपना प्यार खो देंगे। इस वक्त कंडीशन आप लोगों के बीच में हैवी एनर्जी है, इस वक्त शादी इजी तो नहीं नज़र आ रही इनको, अभी नहीं नज़र आ रही, आपको भी नहीं नज़र आ रही होगी। यहाँ पे उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है, प्यार खो देंगे, तो अब ये पावर में आना चाहते हैं। इनको इतना पता है कि जब ये पावर में आएंगे ना, एरीज हो सकते हैं आप, आपके पर्सन जब ये पावर में आएंगे, जब ये अपनी लाइफ का कंट्रोल ना थर्ड पार्टी फैमिली बाकी लोगों को नहीं देंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी पावर में जब आएंगे ना, तभी ये चीज़ों में अपनी हैप्पी फैमिली अपनी कर पाएंगे, इतना इनको पता है, ठीक है। फिलहाल फाइट्स लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहीं टावर मूवमेंट आपके साथ हो सकता है। फिलहाल तो ये सुकून तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं से मॉनेटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, बट एक मिसिंग एनर्जी भी है आपको लेकर के इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स ऑन के पर्सन। चलो मैं मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखती हूँ, तो देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन, कंफ्यूजन है, सब कुछ है, वो तो है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी में बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन में बताइए। फिलहाल ये सुकून चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, ये याद भी नहीं करना चाहते, इन्हें बहुत याद आ रही है आपकी, तो जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इनका अभी प्राइम फोकस सिर्फ अपना बर्डन उतार के रखना है, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे। और अपनी जिंदगी में नाइन ऑफ पेंटिकल यानी ये खुश रहना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, फिलहाल इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, नीड ओनली टू कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग दो कार्ड दीजिए। फोर्टीन नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे रेजोनेट करेंगे आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। सिक्स नंबर बैलेंस का नंबर है, सिक्स नंबर बार 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 आया, तो अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपको थोड़ा सा हैप्पी रहने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे कूल रहने की ज़रूरत है, चीज़ों में बैलेंस आपके आ रहा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। सीड्स ग्रो कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं, पौधा बनने में वक्त लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, चीज़ों को रखा करिए। यूनिवर्स यानी मदर गाया का आपको सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जब हम बीच में दे रहे थे 21 नंबर यहाँ पे आया है एंड 1221 की एनर्जी थी, ये एनर्जी जब दिखते हैं तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन होता है। हार्मनी आप लोगों के बीच में ज़रूर आने वाली है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, बट अगर आप खुद को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे हार्मनी आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स का साथ आपको मिलने वाला है, डिवाइन आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको क्या करना है, ये टाइम आपको जो भी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये कर्मा रिलीज हो रहा है बेसिकली, तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है। ये जो भी सेपरेशन का टाइम आपको मिला है, इसमें एक दूसरे के लिए परेशान होने की बजाय आप अपनी उन कमियों पर काम करें। दोनों को वो समय दिया गया है डिवाइन की तरफ से, जहाँ आप जिन वजहों से, जिन कमियों, जिन खामियों की वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए,
जिनकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हुए, जो कमियां आप एक दूसरे में, जो आपका पार्टनर आपसे कहता है कि आप में ये कमी है, या आपको खुद भी महसूस होता है कि आपके अंदर ये खामी है रिश्ते को आगे परस्यू करने के लिए, और दोनों को, ठीक है, आप दोनों अपने अपने उन जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, उन पे काम करो, उन पे ध्यान दो। आप अपनी रियूनियन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कब बात होगी, कब मैसेज आएगा, शादी होगी नहीं होगी, तुम्हारे सोचने से कुछ घंटा नहीं होने वाला, होगा वही जो राम रच रखा, ठीक है, डिवाइन जो चाहेंगे होएगा तो वही, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। अल्टीमेटली हारमोनी आप लोगों के बीच में आ रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, और वो हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, बिकॉज आप सोल जर्नी में हैं, तो डिवाइन हमेशा आपके सराउंडिंग में रहते हैं। ये ट्रस्ट आपको रखना है, पेशेंस रखना है। तो आप अपने अपने रिश्ते पे काम करने की बजाय अपने अपने ऊपर फिलहाल काम करो, ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हारमोनी टाइम पे आ जाएगी आपको, क्योंकि गुड लक डिवाइन का साथ जरूर, यूनिवर्स का कार्ड भी वही चीज़ दिखाता है, गुड लक भी वही चीज़ दिखाता है, ठीक है, द सन भी उसी चीज़ को दिखाता है कि हैप्पीनेस, एक बढ़िया टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो एक साइकिल है यहाँ पे कंप्लीट होगी, तब तक आप अपने इश्यूज़ पे काम करो, जो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, अपनी खामियों को सुधारो, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी जो भी होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी या पास्ट लाइफ कनेक्शन जितने भी होते हैं, ये तब तक रियूनियन आपकी कभी नहीं हो सकती है जब तक आप लोग खुद अपने अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो, आपकी डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर से ख़त्म नहीं होती, गुस्सा, जलन, चेड़, झूठ बोलना, धोखा देना, चीट करना, थर्ड पार्टी को लेकर के आना, चीज़ों को हाइड करना, इस तरीके की, या जो भी है कंट्रोलिंग इशू, ठीक है, ये जब तक ये सारे इश्यूज आप लोगों के नहीं ख़त्म होंगे तब तक चीज़ें कभी नहीं होंगी, अभी नहीं कभी नहीं होगी, क्लियर बात समझ लो। अदरवाइज आप लोगों के केस में बहुत यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी सही होने वाली हैं, ठीक है, तब तक आप अपने ऊपर ध्यान दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या तुम उससे शादी करोगी या करोगे, आपके पर्सन आपको सीधे सीधे कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपका ही वेट कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से कहीं कोई रिस्पॉन्स उनको मिल नहीं रहा है, तो इसलिए उनको कभी कभी चिढ़ में आता है, गुस्से में भाड़ में जाओ तुम, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, अब हम तुमसे अच्छा ला के दिखाएंगे वाली कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन, अब लोगों के माइंडसेट एक दूसरे की, जो भी ओपिनियन है, माइंडसेट है आप लोगों का, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके माइंडसेट अलग अलग होंगे, तो कोशिश करो एक सेम प्लेन पे। सेम प्लेन क्या होता है, आइडियल, जो परफेक्ट होता है ना, जो सभी को मालूम होता है कि हाँ भाई ये करना चाहिए, तो आप उस पे जाने की कोशिश करो, ठीक है। एक होता है ये, आप यहाँ हो, आपका पार्टनर यहाँ है, एक मिड लाइन होती है, आइडियल लाइन होती है, ठीक है, थोड़ा सा आप बढ़ो, थोड़ा सा आपका पार्टनर बढ़ेगा, फिर आपकी यूनियन होगी, ठीक है, तो दोनों को सुधरने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स, उनके व्यूअर्स को, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। थक गया या गई हो तो मैं मनाते मनाते, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो, बट आप मान नहीं हो, जैसे मैंने बोला ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट भी यही है कि मुझे बर्डन उतार के रखना है, मुझे सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं थक गया या गई हूँ तो मैं मनाते मनाते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, वो मानते हैं इस चीज़ को कि आप उनकी ज़िंदगी हो पूरी, ठीक है, लाइफ, जीवन रेखा हो आप उनकी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, आपके पर्सन ये डिसाइड कर रहे हैं, वो गुस्से में आकर के, ताव में आकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पेल का बिहेवियर, वो भी हो सकता है डाउट या शक की वजह से चीज़ें होती हैं, अदरवाइज उनकी दिली इच्छा यही है कि वो आपके सिवा कुछ नहीं चाहते, सच में कुछ नहीं चाहते, ठीक है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ये हो सकता है आप में से कोई सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, तो जो आपके बच्चे उनकी फैमिली के लिए इशू हो सकते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली इस चीज़ पे एक इशू क्रिएट कर रही है, ये भी आप लोगों के बीच में रीज़न हो सकता है, ठीक है, इसीलिए फैमिली एकदम स्ट्रांगली, क्योंकि तभी फैमिली यहाँ पे वो हर चीज़ ट्राई कर रही है जिससे वो आपको और आपके पर्सन को दूर कर सके, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए रीडिंग अगर रिजोनेट किया फटाक से एक लाइक चिपका दो बहुत जल्दी स्पीड में, और रीडिंग को शुरुआत में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि हमारी एनर्जी जो है एक्सचेंज हो जाया करे, और चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारी फैमिली का, सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, तो आपकी एनर्जी चैनलिंग हमारे साथ ऑलरेडी होने लग जाती है, अपने आप ही होने लग जाती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है।
इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। मैंने अभी अभी वही चीज़ आपको बोली कि आपको क्या करना है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आपकी जो ओवर डिपेंडेंसी जो किसी और के लिए हो रही है ना कि मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, मेरी उससे मैरिज नहीं हो पाई तो मेरा क्या होगा, प्लीज़ वो मुझे मैरिज कर ले, प्लीज़ वो मेरे पास वापस आ जाए, प्लीज़ भगवान मेरी यूनियन करा दो, मतलब जो जितना बुरी तरीके से सियापे आप रोने धोने में लगे पड़े हो ना, जब तक करते रहोगे नहीं होगा तुम्हारा यूनियन। क्लियर बात सुन लो, बुरी लगी होगी लग जाए। रीज़न क्या होता है कि डिवाइन आपको डिपेंडेंसी, वैसे भी प्रकृति का एक नियम है जो डिवाइन कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको लोगों से प्रेम करना है पर उनके मोह में नहीं फंसना है। ठीक है, इस दुनिया में आना ज़रूर है, आपको लोगों से प्रेम भी करना है। ये सिर्फ ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी की बात की नहीं कर रही हूँ, मैं सभी रिश्तों के लिए बोल रही हूँ। उन रिश्तों के प्रति प्रेम रखें, उनको वो हर चीज़ करें जो आप कर सकते हैं, पर उनके साथ मोह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और आप जब तक उस मोह से बाहर नहीं आते हैं तब तक नहीं, मोह ही होता है ये ओवर डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, ये वही मोह है। तो उस मोह से बाहर निकलिए। जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपका पर्सन, आप जिस वक्त आप खुद को कंप्लीट फील करेंगे, आपके पर्सन से कितनी दूरी है उसका आपके पास होना ज़रूरी नहीं कि आप उसको छू रहे हो, हक कर रहे हो, आपके घर में है, तभी आपको लगे। जिस दिन आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां आपके दूर होते हुए भी आपको उसकी दूरी कभी महसूस नहीं होगी। ठीक है, 3D में यूनियन तब होती है जब आप 5D में मिल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी जो भी होती है, ये ऐसे ही होती है, ऐसे ही वर्क करती हैं। जिस दिन आपको ये एहसास ही ना हो, इस बात का डर ही ना हो कि आपका पर्सन आपसे खो सकता है या आपका प्यार, उसका प्यार आपसे कोई छीन सकता है, ये डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपको ये लगे कि वो चाहे दूर है, पास है, कहीं भी है, कुछ भी है, वो मेरा है, मतलब मेरा ही रहेगा, जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा उस दिन आपकी यूनियन हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन 5D में मिल जाओगे उस दिन 3D में अपने आप मिला देंगे डिवाइन आपको। ठीक है, तो अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आओ। जो खामियां हैं ये समय आपको दिया है डिवाइन ने अलग करके कि आप अपनी अपनी कुछ हो सकती हैं आप लोगों के अंदर, राउंड एंड राउंड आप सेम रिपीट, जब भी मिलाए जाते हो हमेशा वही स्टेप पे चालू हो जाते हैं आप लोगों के बार बार, तो उनको काम करो, खत्म करो उनको। ठीक है, उन पे वर्क करो, ये इसलिए तुम्हें समय दिया गया है। ठीक है, तो उन पे काम करो और सोचो मत बिल्कुल भी रिश्ते के बारे में। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, अपने रिश्ते अपने काम पे ध्यान दो तब तक। ठीक है, और अपनी खामियों पे ध्यान दो, जो कमियां हैं, जो रिश्ते में जिनसे आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई, लड़ाई हुई, जिनकी वजह से आप में दूरियां आई हैं, उन पे तब तक काम करो। ठीक है, प्लीज डिवाइन परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे आया, मैं अभी लूंगी नहीं, लेकिन कोई भी कार्ड आता है तो उसका एक होता है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग अभी भी है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हो सकता है आप लोगों को करने पड़े रिश्ते में, तो वहां पे कर लीजिए। ठीक है, पर ये आप पे डिपेंड करता है टोटली कि आप वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, अगर थोड़े बहुत कहीं हैं करने पड़ते हैं तो उन्हें कर लीजिए। ठीक है, प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्लीज डिवाइन बताएं। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोग रिकवरी यहाँ पे जरूर होगी। ठीक है, अब रिकवरी है दो तरीके से, रिकवरी आपको खुद की, जैसे मैंने बोला, अगर आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो रिकवरी आपको खुद की भी करनी है यहाँ पे। ठीक है, अपने आप को रिकवर करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, जो भी चीज़ें आप लोगों के पास में टॉक्सिक चीज़ें हो गई हैं उनको लेट गो करो, उन इश्यूज को लेट गो करो और अपने आप को हील करो अंदर से। ठीक है, जो भी पास में हो गया, बिकॉज अगर आप फिर से यूनियन में आए, फिर से आप पुरानी बातें ही खोदोगे, फिर से आपकी लड़ाई हो जाएगी, फिर से आप दूर हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वक्त कोशिश करो उन चीज़ों से जो पास्ट में हो गया उनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जब आप खुद उन टॉक्सिसिटी से बाहर निकल आओगे ना, खुद को हील कर लोगे जब आप दोनों, तो जब आप यूनियन में आओगे तो आपका रिश्ता भी हील कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल का समय भी लग सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहां पे नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।